हाँ जी गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए हमें वीडियो अपलोड किए हुए। तो ये कुछ क्लास की इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स लेने के लिए। बैचेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये पावर बी आई एडवांस एक्सेल और बीबीए के। ओके, सो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं पावर बी आई के डैक्स के ऊपर। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के ईमेल्स आ रहे हैं, कंसर्न्स आ रहे हैं कि डैक्स में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि डैक्स बेसिकली यूज़ कैसे किया जाए। जब वो कोई डैक्स देखते हैं तो उसको देखने के बाद वो उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, मतलब देखा समझा और वैसा वैसा बना लिया। लेकिन अगर उन्हें खुद क्रिएटिविटी अपने हिसाब से करनी हो तो प्रॉब्लम आती है। वो एक लेवल तक ही सोच पाते हैं और उसके बाद सोच नहीं पाते हैं, राइट? और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स भी रेफर किए हैं, लेकिन डैक्स में वो जो ग्रिप होती है एक, वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको डैक्स के बारे में आज एक नॉलेज देने की, ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। ये ऐसा आपको मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा इस तरीके से कि आप इसको किसी भी टैक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे। ये सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट है कि टैक्स एक्चुअल में डिफिकल्ट है इनिशियल लेवल पे, ठीक है? इवन जब आप सीख भी जाते हैं उसके बाद भी टैक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको अपने आप को अडेप्ट करने में, क्योंकि टैक्स एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स एक्सेल की तरह नहीं है जिसमें आपने इक्वल्स टू लगाया और टेबल सेलेक्ट कर लिए और आपको पता है, आपको टेबल दिख रहा है कि मैंने क्या टेबल सेलेक्ट किया है। उसके बाद फॉर्मूले में कोई एरर आता है तो आप इवैल्यूएट फॉर्मूला जो उसमें होता है, फॉर्मूला टैब में आप उसके थ्रू चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, या फॉर्मूला सेलेक्ट करके F9 प्रेस करके चेक कर लेते हैं। तो डैक्स में थोड़ा सा क्या है कि आपको इमेजिनेशन पे चलना पड़ता है। आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करके चलना पड़ता है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो ऐसे होगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है। एज यूजल मैं इसमें आपको बिल्कुल लाइव फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि चीजें आगे पीछे हों। आपको पूरा लेक्चर समझना है, पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको चीजें कनेक्ट आप कर पाएंगे। दोबारा फिर देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है? मतलब मैं कोई पीपीटी लेके आपको नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस बना हो, राइट? पीपीटी में पढ़ाने से वो फायदा नहीं है। वो फिर मैं पीपीटी पे फोकस करूंगा कि मुझे क्या बोलना है तो हम बोलेंगे फ्री फ्री फ्लो, ठीक है? देखिए गाइस, डैक्स में क्या है, जब आप डैक्स यूज करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डैक्स को यूज करने में? पॉइंट्स गोइंग टू हेल्प अस। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो डैक्स है वो तो एक फॉर्मूला लैंग्वेज है। तो वो जो फॉर्मूला है आपका, डैक्स जो फॉर्मूला है, वो सबसे पहले क्या वो ऐसा मेजर यूज हो रहा है या फिर कैलकुलेटेड कॉलम यूज हो रहा है, ठीक है? इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम जो है, आप इसको ऐसे समझें, जब आप मेजर यूज करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एक फंक्शन है, आप सब लोग इफ यूज करते हैं, तो ये मेरा इफ फंक्शन डैक्स में भी यूज होता है, सेम कंसेप्ट होता है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, एक्सेल जैसा ही होता है। अब जो इफ डैक्स होता है वो मेजर में भी यूज हो जाता है, कैलकुलेटेड कॉलम में भी यूज हो जाता है। आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कैलकुलेटेड कॉलम होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा अपना चूज करूँ, जैसे मैं टेबल 1 पे जाता हूँ, ठीक है? कोई ये मैंने एक डमी डेटा लिया हुआ है, जैसे आपका ये टेबल है। अब आप ये कहो कि मुझे एक यहाँ पे हेडर एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्रिएट करना है जो ये कहे कि अगर फोरकास्ट सेल्स से बड़ा है तो टारगेट नॉट मेट, अदरवाइज मेट, तो आप क्या करेंगे? तो आप न्यू कॉलम बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको वो हेडर अपने डेटा में इंक्लूड करना है, समझे? तो मैं जब इसमें वो न्यू कॉलम बनाऊंगा उसे बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है? तो मैंने वो जब इसमें बना दिया, अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये कॉलम है, इसको हम रीनेम दे देते हैं इफ एज लेट्स से कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है? सो मैं इसमें क्या इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं इसमें बोल सकता हूँ कि इफ मेरा जो सेल्स फोरकास्ट है ये देखिए, अगर वो ग्रेटर देन है सेल्स डन तो टारगेट नॉट मेट, ठीक है?
नॉट मेट, अदरवाइज मेट। तो ये जब आप एंटर करेंगे तो क्या होता है, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो जाता है। मतलब ये कॉलम आप देख सकते हैं, ये आपको टेबल में आपकी मेमोरी खाएगा, आपकी स्पेस लेगा, ये देखिए, ठीक है ना। अब अगर मैं विजुअलाइजेशन में आता हूँ तो यहाँ पे जब भी आप इस टेबल में जाएंगे, जो हमने टेबल अभी बनाया है, ये टेबल वन, इसमें ये आपको एज अ सेपरेट हेडर दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, राइट। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसी को एज अ मेजर यूज करना हो, तो मेजर क्या होता है, अब जैसे ये इफ कैलकुलेटेड है, अगर आप इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है गाइस, ये क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम है तो आप इसको फिल्टर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका स्लाइसर बना दूं तो आप देखें ये मेट और नॉट मेट का आपको डेटा दे देगा। तो नीचे जो भी डेटा होगा, अगर आप जैसे यहाँ पे हम कोई टेबल बना लें और मैं उसमें ये डेटा देखना चाहता हूँ, सेल्स टर्न और सेल्स फोरकास्ट में देखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ और यहाँ पे सेल्स टर्न डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि अगर मुझे देखना है नंबर ऑफ मेट केसेस तो मैं देख सकता हूँ नंबर ऑफ मेट केसेस, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ नॉट मेट केसेस, ये डेटा चेंज हो गया। कैलकुलेटेड कॉलम जो है ये हम यूज करते हैं जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि हम वहां पर उसको उसके हेडर्स को स्लाइसर वगैरह में यूज कर सकें, ठीक है, या अदरवाइज भी अगर आपको यूज करना हो वो भी आप कर सकते हैं। जो आपका मेजर होता है, मेजर में प्रॉब्लम ये है कि मेजर में आप ये चीज नहीं यूज कर सकते, और मेजर का जो तरीका है, मेजर का जो तरीका है वो डिफरेंट है। मतलब अगर मुझे इसी इफ को एज अ मेजर यूज करना हो तो आप न्यू मेजर में जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो मेजर आपके पूरे कॉलम में लगता है, वो रो बाय रो कैलकुलेट नहीं होता। अभी आपने जो कैलकुलेटेड कॉलम इफ लगाया, उस आपने देखा उसने रो बाय रो कैलकुलेशन कर दी। अगर अब मुझे यही इफ एज अ मेजर यूज करना हो तो आप देखिए, जब आप इफ लगाएंगे वही लॉजिक हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, सेल्स जो था हमारा सेल्स फोरकास्ट, ठीक है, जैसे ही आप सेल्स लिखना शुरू करेंगे, अरे भाई फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट फील्ड हमें दिखेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों नहीं दिख रही है, बिकॉज जब आप टैग्स को यूज करते हैं एज अ मेजर, इफ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, वो पूरे के पूरे कॉलम पे चलता है, वो सिंगल रो पे नहीं चलता। तो अब मुद्दा ये आता है कि अगर मुझे इसको एज अ मेजर यूज करना हो, और सेम चीज मुझे ये मेट नॉट मेट करना हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। जो आपका टेबल है, जो यहाँ पे पूरा जो आपका ये कॉलम था, ये वाला आपको दिख रहा है सेल्स टर्न, आपको इसको इस तरीके से यूज करना होगा कि ये पूरा का पूरा कॉलम हम रेफर कर सकें। अब पूरा का पूरा कॉलम आप कैसे रेफर करेंगे, ये आपको समझना है। देखिए डैक्स जब आप एज अ मेजर यूज करते हैं तो वो आपके टेबल में जब जाता है तो वो आपके फिल्टर्स कंटेक्स्ट को देखता है कि फिल्टर क्या लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे इमीडिएटली। जैसे सपोज आपके पास एक टैक्स बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे टोटल सेल्स टर्न देखना है, ठीक है, कि सेल्स टोटल कितना हुआ है। जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको 57,000, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप एक नॉर्मल सम फंक्शन लगाते हो, ठीक है, ये मेजर, और आप कहते हो कि सेल्स टर्न इसमें आपको दिख जाएगा क्योंकि ये बनाई इसलिए, ठीक है, हेडर दिख रहा है। इफ में जैसे आपने देखा नहीं दिख रहा था, तो ये है आपका टैक्स टोटल सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है जब कोई आपको कहता है कि भैया मेजर जो है वो फिल्टर कंटेक्स्ट है, वो फिल्टर कंटेक्स्ट यूज करता है, बोलने में तो बोल देते हैं लेकिन उसको समझना जरूरी है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि फिल्टर कंटेक्स्ट आप और मेरे लिए दोनों के लिए ये एक नई भाषा है, हम काफी टाइम से अक्सर यूज करते आ रहे हैं। तो ये देखिए ये टोटल सेल्स मैं डालता हूँ, जब आप टोटल सेल्स डालोगे तो नेचुरली आपको पूरा टोटल सेल मिल जाएगा उस डेटा का, है ना। ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ कार्ड में। अब आपको ये समझना है कि देखो ये आपने यहाँ पे डाल दिया 57,000 समथिंग आ गया, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो आपने 57,000 डाला है, मान के चलो मैं पुराने टेबल में अपने जाता हूँ और यहाँ से सेल्स ये डाल हटा देता हूँ जो मेरा फील्ड है, ठीक है।
मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास डेट है और आपने जो भी टैक्स निकाला, ये टोटल वाला कहाँ गया, ये जो टैक्स जब मैं यहाँ डालूंगा तो क्या होगा? क्या 57,000, 57,000, 57,000 आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा? नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे जब आपने डाला था तो 57,000 था। बात ये है कि जब आप टैक्स को कैलकुलेट करते हो, वो ओवरऑल कॉलम पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसको अपने विजुअलाइजेशन में जब डाल रहे हो, जैसे ये हमारी टेबल विजुअलाइजेशन है, जैसे मैंने इसमें इसको ड्रॉप किया, वो इन चीजों पे बड़ा फोकस रखेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या फिल्टर लगा हुआ है, और वो जो टोटल है वो ऑटोमेटिक डिस्पर्स हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग, उन रोज के अकॉर्डिंग। इसको कहते हैं फिल्टर, कि डैक्स फिल्टर्स पे काम करता है, ठीक है। तो आप जब भी डेटा डैक्स के थ्रू बनाते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम या मेजर, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे टोटल किस तरह से आएगा, और वो टोटल टोटल नहीं रहेगा जब उसको आप टेबल में, जैसे इसमें तो हम टेबल यूज करें, इसमें टेबल में मैं डाल दूंगा, वो फिल्टर एक्सप्रेशन के, फिल्टर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है, जैसे पिवट में होता है, समझे आप। अब अगर मैंने इस डेट को, डेट के साथ लेट से इसमें कोई और फील्ड भी डाल दी, तो क्या होगा? वो भी फिल्टर कंटेक्स्ट में यूज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा डेट है, अगर मैं ये डेट हटा दूं और मैं यहाँ से मंथ चूज कर लूँ, तो क्या होगा? आप डेट को हटा देते हैं, ये देखिए हटा देते हैं यहाँ से, देखा आपने, अब फिल्टर कंटेक्स्ट आपका चेंज हो गया, अब वो पूरा मंथ आ गया, अब वो जैन के अंदर की डेट्स को नहीं ले रहा है, वो पूरा जैन आपको दे रहा है, जबकि आपका ये टोटल सेल तो आपने कैलकुलेट अभी किया था टैक्स, वो तो 57 था, 57 जैसे ही आ गया वो इनको, इनके रिस्पेक्ट करेगा, इनके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर लेट से मुझे 57 ही चाहिए होता है यहाँ पे, तो वो अलग चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस तरह के डिसीजंस की, तो आपको माइंड में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी होती है कि अगर मैं टोटल चीज काउंट करूंगा और टोटल को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, तो वो टोटल अपने आप उन फिल्टर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगी, समझे आप। अब यही चीज जो हम अभी कर रहे थे, मैं इस टोटल सेल को यहाँ से 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से हम अपने उसी डेटा में चलते हैं, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, और हमने नॉर्मली सेल्स वाला हेडर यूज किया था, ठीक है, जो इसका है। अब जब नॉट मेट और मेट के केसेस मुझे देखने हैं, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि हमने एक हेडर क्रिएट किया था कैलकुलेटेड कॉलम से, और आप देखें चेंज भी हो रहा है। अब यही चीज अगर मुझे टैक्स इफ के थ्रू करनी है, लेकिन ऐसा मेजर करनी है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो मेजर है वो इफ की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए, वो आप को रो बाय रो कैलकुलेशन नहीं दे सकता। तो वो आप जब इफ लगाएंगे यहाँ पे इफ लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे कैलकुलेटेड कॉलम में मैंने कहा था कि सेल्स फोरकास्ट है, ठीक है, सेल्स फोरकास्ट में लिखने की कोशिश करूंगा, आप देखोगे मुझे यहाँ पे सेल्स फोरकास्ट दिखाएगा नहीं, जबकि यही चीज कैलकुलेटेड कॉलम में दिख रही थी, क्यों? क्योंकि ये सेल्स फोरकास्ट जब आप हेडर चूज करते हो, तो वो बेसिकली रो बाय रो के लिए यूज हो रहा है, और इफ जब एज अ मेजर यूज होगा, एज अ कैलकुलेटेड कॉलम नहीं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको कुछ इस तरीके से काम दो कि वो पूरे का पूरा कॉलम उठा ले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ये कहोगे कि भाई पूरा का पूरा सेल्स डन कितनी हुई है उठा लो सम फंक्शन लगा के, और पूरी की पूरी सेल्स ऑफर्ड उठा लो, फोरकास्ट उठा लो, और फिर उनका कंपैरिजन कर दो। तो यानी कि जब आप एज अ मेजर इसको यूज करेंगे, तो आप सम लगाएंगे, सम लगाते ही अब सम फंक्शन क्या है, वो कॉलम नहीं मांगेगा, तो उसमें आप सेल्स फोरकास्ट जैसे ही लिखोगे आपको डेटा मिल जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि पूरा फोरकास्ट का सेल जो यहाँ निकाला है आपने, ये अगर ये ग्रेटर देन है पूरे के पूरे सेल्स डन के साथ, समझे, तो क्या होना चाहिए, तो आप कहते हो मेट होना चाहिए या नॉट मेट होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे होना चाहिए मैटर, समझे? ये चीज है। तो फंक्शनैलिटी सेम रही, लॉजिक सेम रहा, लेकिन मेजर जब यूज कर रहे हैं तो मेजर आपको अलाउ नहीं करता है कि आप उसको रो बाय रो करो। वो कहता है रो बाय रो करना है तो जाओ भाई कैलकुलेटेड कॉलम में जाओ, ठीक है? मेजर इस तरह से यूज होता है। अब बात ये है, ये मेजर का नाम मैं अभी फिलहाल मेजर ही रखता हूँ, ठीक है? मैं एंटर मारता हूँ। जब आप एंटर मारेंगे तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि यार इसने तो पूरा सम लिया है, तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो क्या ये जस्टिफाई करेगा? बिकॉज ये तो पूरा, ये तो जैन है, ये तो फेब है, ये तो मार्च है, सबका अपना अपना सेल्स है और हम तो पूरे के पूरे सेल्स को लेके बैठे हैं, है ना? अब यहाँ पे जब जैसे मैं मेजर ये यहाँ पे डालूंगा क्या होगा, मेजर फिल्टर कंटेक्स्ट देखेगा इस टेबल के, वो है मंथ, जैन फेब मार्च यू नो अप्रैल मई जून इस तरीके से, ठीक है ना? तो क्या होगा कि वो आपको पूरी की पूरी जैन की फेब की मार्च की सेल्स के अकॉर्डिंग डेटा देना शुरू कर देगा, क्योंकि भैया यहाँ पे फिल्टर कंटेक्स्ट लगा हुआ है जैन का। आपने तो टोटल काउंट किया था, लेकिन वो टोटल आपने सेल्स डन भी काउंट किया था और सेल्स ऑफर्ड भी किया था, फोरकास्ट भी किया था, है ना? लेकिन वो टोटल तो अपनी जगह है, बट कैलकुलेशन जब होगी तो मेजर जब आप अपने फील्ड में डालोगे तो वो ये देखेगा कि यहाँ पे फिल्टर्स क्या लगे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग बात आपसे करेगा, ठीक है ना? अब अगर आप यहाँ देखो, मेरा फोरकास्ट जैन का है 5,000, डन कितना हुआ, सिर्फ 4,000, यानी नॉट मेट। 43 का फोरकास्ट, 38 अचीव हुआ, नॉट मेट, ये देख रहे हो आप? तो ये सारा का सारा है बेसिकली आपका नॉट मेट में चला गया, ठीक है? कहीं भी मेट हुआ ही नहीं है, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना? तो अगर ये आपका ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो इस केस में आपको सारे नॉट मेट मिलेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होता कि लेट्स से सेल्स टर्न आपकी जो है वो ज्यादा हुई होती तो हमारे पास यहाँ पे मेट भी आ जाता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब आप क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे तो फिर कैलकुलेटेड कॉलम में मेट और नॉट मेट कैसे दिख रहा था? आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भैया आप सही जा रहे हो गाइस, डियर स्टूडेंट्स, आप पकड़ रहे हो सही चीज। भाई यहाँ पे भी नॉट मेट भी था, मेट भी था, फिर यहाँ पे सर नॉट मेट क्यों आ रहा है, मेट क्यों नहीं आ रहा? आप समझे नहीं, रो बाय रो कैलकुलेशन अलग है, टोटल अलग है। अब भैया फेब्रुअरी में अगर कहीं पे किसी एक दिन में सेल्स डन ज्यादा हो गया फोरकास्ट से तो वो मेट दिखाएगा, बट जब आप पूरे ओवरऑल फेब की कर रहे हो तो उसमें 28 दिन होते हैं, वो 28 के 28 दिन सम होके क्या फोरकास्ट दे रहे हैं और क्या सेल्स डन दे रहे हैं वो अलग चीज है। मैंने एक दिन अच्छा किया मेट हो गया, लेकिन ओवरऑल 28 दिन का जब सम किया तो उसमें मैं रह गया, समझे आप? तो ये उस हिसाब से आपका है। अब अगर यहाँ पे अभी मंथ हटा दूं, ये मंथ हटा दूं और मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो डेट वाइज आपको मेट और नॉट मेट दिखना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता, अब देखिए जैसे ये डेट का है, अब ये डेट वाइज आ गया, ठीक है? आप इसमें देखो ये Jan 1, 2018 से शुरू हो रहा है, तो हम नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं इसमें कि क्या कहीं पे हमारे पास मेट आ रहा है। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये हटा देते हैं हम यहाँ से, बिकॉज ये फिल्टर यहाँ से सारी वैल्यूज ले रहा होगा, तो ये हटा देते हैं और अब देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉट मेट होगा तो नॉट मेट ही आएगा, ठीक है ना? तो मैं आपसे बेसिकली पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। सो ये देखिए, ये मेट आ गया, तो यहाँ पे मेट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे मंथ डालो चाहे डेट डालो, मंथ के केस में भी यहाँ पे फिल्टर था, एक बार दोबारा से फिल्टर जिससे मैंने हटा दिया, तो आप मंथ भी डालो, फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे। अब वो मंथ वाइज मंथ सेल देगा आपको, ठीक है ना? तो मंथ वन मंथ भी अगर आप देखें तो इसमें अभी भी नॉट मेट आ रहा है, बिकॉज वो पूरा का पूरा टारगेट मीट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट हो गया, बिकॉज सेल्स ज्यादा होगी, 17,000 होगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ओवरऑल जब आप डैक्स जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि अगर मैं उसको एज अ मेजर यूज कर रहा हूँ, अगर हम उसको एज अ मेजर यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द इंटायर कॉलम, फिर
फिर आप एक स्पेसिफिक रो नहीं ले सकते हो, ठीक है। जब आप मैश उसी डैक्स को ऐसा कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हो, कैलकुलेटेड कॉलम, तो वो चलता है रो बाय रो। रो बाय रो का मतलब कि रो बाय रो आपकी वैल्यूज जो है वो यूज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ओवरऑल यूज होता है, लेकिन जैसे ही वो ओवरऑल का रिजल्ट जो आप कैलकुलेट करके आते हो, वो जैसे ही आप अपने टेबल विजुअलाइजेशन में डालते हो, तो वो आपके फिल्टर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाता है। वो फिल्टर्स बीच में ले आता है। जैसे आप पिवट में आपने डाला टोटल सेल 2000 आ गया, अब 2000 में आपने जोन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का एक हेडर आपके पिवट में, तो जब आप वो जोन उस पिवट में डालते हो क्या होता है, क्या वो 2000 ही रहता है? नहीं, वो टोटल में 2000 दिखाता है, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वो उसको डिवाइड कर देता है। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है डैक्स का, जब आप इसको ऐसा मेजर यूज करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं गाइस, मैं आप सबसे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ प्लीज।